हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे इस अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 14 का। जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उन सभी को बताना चाहता हूँ मेरा एक टेलीग्राम पेज है जिसका नाम है एग्जाम क्रैक विद अखिलेश सर। यानी टेलीग्राम और यूट्यूब का चैनल का नाम सेम है। आप जाइए टेलीग्राम पेज और यूट्यूब चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करिए। मैं वहां पर एसटी पोस्ट कर देता हूँ। लगभग आप सभी को 24 घंटे का टाइम होता है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मुश्किल सर 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, आप 24 घंटे में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसटी तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, आराम से सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कशन रात के 9 बजे आप सभी को अपलोड कर देता हूँ। आप सबके लिए आई होप काफी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, इसका जो पहला ऑप्शन है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, दूसरा है भारत की सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, तीसरा है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, चौथा है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध स्थापित करना। आप सभी को पता होगा जब भारत आजाद हुआ यानी 1947 के तहत आसपास भारत में कितनी देशी रियासतें थी, लगभग 562 देशी रियासतें थी, ठीक है, 562 देशी रियासतें थी। 1927 में बटलर कमेटी आई, तो किसकी अध्यक्षता में आई, सर हरकोर्ट, ठीक है, सर हरकोर्ट की बटलर की अध्यक्षता में। इनका क्या नाम था, सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में आई। कब आई, 1927 में। और ये क्या था, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था इसका उद्देश्य था। इसने 16 राज्यों पर भ्रमण किया, 16 राज्यों में भ्रमण किया, ठीक है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की, तो 1929 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1929 में। तो बटलर कमेटी की अध्यक्षता में जो उद्देश्य था क्या था, भारत सरकार में देशी रियासतों के बीच संबंध स्थापित करना, सुधारना। उसके बाद किसके अध्यक्षता में हुई, तो सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में। कब हुई, 1927 में हुई। कितने राज्यों को भ्रमण किया, 16 राज्यों को भ्रमण किया। और इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की, तो 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। पहला है घड़ियाल, दूसरा है भारतीय जंगली गधा, तीसरा है जंगली भैंस। अब पूछा क्या जा रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है दो और तीन, तीसरा एक और तीन, चौथा है एक दो और तीन। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी तीनों का शिकार नहीं किया जाता, घड़ियाल का, भारतीय जंगली गधा का और जंगली भैंस का, तीनों का शिकार नहीं किया जाता, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के न्याय संविधान, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं, यानी कि सन्निविष्ट नहीं है उद्देश्य का, यानी प्रेम्बल की बात कर रहे हैं, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा है विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी बी ऑप्शन, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आई होप ये आप सभी को विजुअल होगा, सही तरीके से दिख पा रहा है। इसमें देखो क्या दिखा, भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, इस ध्यान दीजिएगा, इसके समस्त नागरिकों को, अब यहां से ध्यान दीजिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना कि स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता किसकी किसकी है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की है व उपासना की स्वतंत्रता है। हमें आर्थिक न्याय मिल सकता है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। अब आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या नहीं है, जैसा कि हम लोग हैं, हमें जितना अमाउंट कलेक्ट करना है वो हम अपने अकाउंट में रख सकते हैं लेकिन उसे हमें टैक्स पे करना होगा, ना कि हम चोरी कर सकते हैं, मतलब एक लिमिट में ही रख सकते हैं, हमारी जो एनुअली इनकम है वो एक लिमिट में होनी चाहिए, उसके बाद हम टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स पे करें, चोरी नहीं करते, यानी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। आर्थिक अगर हमारे टैक्स में, हमारे धन में कोई चोरी हो रही है तो हम उसे न्याय के तहत पा सकते हैं लेकिन उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इस तरह क्वेश्चन बहुत डीपली पूछी जाती है, आईएएस का एग्जाम था 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2017 में आईएएस के एग्जाम में आया था प्री में, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, यानी बी ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैग्नी नाट
मैगिनाट रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? मैगिनाट रेखा किन दो देशों के बीच जर्मनी तथा फ्रांस के बीच बनाती है? वहीं जो दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और कनाडा, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं, 49 डिग्री पर अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं। वहीं पर उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया 38 डिग्री पैरेलल पर, कितने पर 38 डिग्री, ये कौन बनाता है? उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। और जो पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड है, ये कौन से ऑर्डर ऑर्डर नीचे रेखा पर, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड है के बीच में कौन सी रेखा ऑर्डर नीचे रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तो पूर्वी जर्मनी पर है ये, पोलैंड पर ये क्या है, ये है उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये कौन है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में, ये हुए आपका क्वेश्चन। उसके बाद पूछा जाए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देश यानी डीपीएसपी 36-51 के तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, विधायिका के कर्तव्य तत्व से है। उसके बाद बोला गया कथन क्या है, विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंध करते, निर्बंध मतलब नियंत्रण करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला, कार्यपालिका कर्तव्यों पर निर्बंध करते हैं। अब पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, इसमें दोनों कथन सही नहीं, ना एक और दो, इसमें दोनों कथन सही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चीनी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो चीनी क्रांति कब हुई थी 1911 में, कौन सा ऑप्शन सही 1911 में हुई थी, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 1789 में फ्रांस की, तो 1789 में कौन सी हुई थी फ्रांस, ठीक है, 1789 में फ्रांस हुई थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई। उसके बाद 1917 में कौन हुई थी, रूस की क्रांति 1917 में रूस। उसके बाद 1909 मार्ले मिंटो सुधार के लिए फेमस है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हो गए, 1911 यानी ऑप्शन कौन सही है, ए ऑप्शन से 1911 में हुई थी चीन की क्रांति, और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और 1917 में रूस की क्रांति, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किस संशोधन प्रक्रिया द्वारा, ध्यान सुनिएगा, किस संशोधन प्रक्रिया द्वारा शिक्षा वन नाप एवं तौल वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण न्याय का प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया, यानी कि जो जिन पर अधिकार था राज्य का कानून बनाने को, वो कहां पहुंच गया समवर्ती सूची में, राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, किस संशोधन प्रक्रिया द्वारा, तो 42वें अमेंडमेंट द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। वहीं पर जो 38 अमेंडमेंट है, इसके तहत क्या होगा, 38 राष्ट्र के विभिन्न, जो राष्ट्रपति है भारत का वो विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, वो कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से आधार हैं, वो मैं किसी स्पेशल लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा जब मैं अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा। अभी मैं पूरे अमेंडमेंट, जितने अभी तक अमेंडमेंट हुए उनका सारा का लेक्चर लेके आऊंगा, सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, वो सब जब समझाऊंगा तो आपको बता दूं कौन कौन से आधार है। तो इसका जो 38 है, राष्ट्रपति जो है विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। उसके बाद क्या 44वां अमेंडमेंट में क्या था, जो राष्ट्र संपत्ति का अधिकार था, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे वो अब 6 बचे हैं, तो जो संपत्ति का था 44वां अमेंडमेंट 1978 द्वारा वो एबोलिश हो गया, हटा दिया गया, और वो कहां पहुंच गया, आर्टिकल 300A में पहुंच गया। अब ये हमारा लीगल राइट्स है, ना कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, तो पहला ऑप्शन है मर्रे दूसरा है डार्लिंग, तीसरा है बराक, चौथा है टिग्रिस। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी एक और दो, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। बराक जो है साउथ अमेरिका की है, साउथ अफ्रीका की, बराक साउथ अफ्रीका, और वहीं पर टिग्रिस जो है ये तीन देशों से प्रवाहित बहती है, एक टर्की सीरिया और इराक, ठीक है। टिग्रिस कौन-कौन, टर्की सीरिया और इराक से बहती है, प्रवाहित होती है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियां। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया, तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका है, यह विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे जो लगभग यहाँ की जितनी भी, ये बहुत ठंडा स्थान है, यहाँ पर लगभग सूर्य के 70-80% ऊर्जा को, जो प्रकाश आता है उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये बहुत ठंडा प्रदेश है एरिया, और यहाँ पे
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा स्थान है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किसके अंतर्गत गठित किया गया, तो जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, किसके अंतर्गत, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा सीपीसीबी का क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक है, सीपीसीबी 1974 में आया था, ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन सही, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 द्वारा आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किन किन आधारों पर है, पहला क्या है, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तीसरा राज्यों के अनुरोध की इस अवस्था में, यानी राज्यों के यानी कि राज्य अनुरोध करे कि मेरे यहाँ पे कानून बना दीजिए तब, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आगे, यानी कि एक राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय किसी देश से सीमा स्थापित करता है, जैसे उत्तर प्रदेश नेपाल से करता है, और कोई समझौता है या उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना, और जो पांचवा राष्ट्रपति शासन के दौरान, या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या संपूर्ण भारत में राष्ट्रपति शासन लगा है तो कानून बना सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, जिससे कथन सही है, तो इसमें सही है उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही है, सभी कथन सही है, राज्यसभा जब प्रस्ताव पारित करे तब कानून बन सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बिल्कुल बन सकता है, राज्यों के अनुरोध की स्थित अवस्था में बिल्कुल बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना बिल्कुल बन सकता है, राष्ट्रपति शासन यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तब, यानी पांचों कथन सही है, उपयुक्त में सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों को लेन देन के लिए आसान बनाने के लिए नए सिक्के टका और जीतल की शुरुआत की थी, तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल की शुरुआत की थी, इसका अनुपात क्या था, 1:48 टका और जीतल, ये किसके थे, चांदी और तांबा के थे, ठीक है, यानी कि एक चांदी के सिक्का बराबर 48 तांबे के सिक्के, 1:48 था इनका टका और जीतल का, इल्तुतमिश ने लगाए थे, ठीक है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा पहला ऐसा सुल्तान था जो योग्यता के आधार पर लोगों को उच्च पद देता था, चाहे वे कुलीन परिवार से हो या ना हो, तो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका जो टाइम पीरियड है 1325 से लेकर क्या है 1351 है, और उसके बाद जो अगले हैं बलबन 66 से 87 1266 से लेकर इनका 87 है, उसके बाद क्या है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, और उसके बाद कौन है फिरोज शाह तुगलक, इनका 1351 से 88 फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दुर्बीन संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था, तो भारतीय दुर्बीन संहिता 1883 का निर्माण स्ट्रेची आयोग के द्वारा, स्ट्रेची कमीशन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, स्ट्रेची कमीशन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, स्ट्रेची आयोग, ठीक है, स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या सी सही मिलान किए गए हैं, इन घटना कुछ घटनाएं हैं उसके बाद उनके वायस राय हैं का शासन है, ठीक है, इल्बर्ट विधायक विवाद, लॉर्ड रिपन, डूरंड कमीशन लॉर्ड लायंस डाउन, और उसके बाद चौरी चौरा, लॉर्ड रीडिंग। इसमें पूछा जाए सही सुमेलित युग्म का चयन करें, पहला था 1, 2 और 3, इसका जो सही ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि तीनों सही मिले हुए हैं, इल्बर्ट विधायक, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट विधायक आया कब था, तो 1883 में आया था, जो इल्बर्ट आया था 1883 में आया था, और जो डूरंड आया था कब आया था, तो 1893 में आया था। उसके बाद चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 में, सभी को पता होगा मदन मोहन मालवीय ने इसमें जितने भी लोग थे सबका मुक्त में क्या किया था, केस लड़ा था और सभी को बचा भी लिया था, तो चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 में, डूरंड कमीशन आया 1893 में, और इल्बर्ट विधेयक कब आया 1883 में, इल्बर्ट विधेयक विवाद, लॉर्ड रिपन 1884 से 84 था इनका टाइम पीरियड, डूरंड कमीशन, लॉर्ड लायंस डाउन, डूरंड कमीशन किसका था, लॉर्ड लायंस डाउन का,
और चौरी चारा लाल रीडिंग के समय, लाल रीडिंग के समय चौरी चारा केस हुआ था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, एक दो और तीन यानी तीनों से। फिर से बताते हैं, एल्बर्ट विधेयक बिल, लॉर्ड रिपन, डूरंड कमीशन, लॉर्ड रायंस और चौरी चारा लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेली जिले के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम यानी कि सही अनुसार कालक्रम अनुसार नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। पहला देखो कैसे लिखा, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। सिक्वेंस में लिखा गया है हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। अब आपको इसमें बताना कौन सा राज्य पहले ग्रहण किया गया, कौन सा बाद में किया गया। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन यानी एक दो तीन चार। हैदराबाद पहले हुआ, उसके बाद मैसूर हुआ, उसके बाद अवध हुआ, फिर सिंधिया। ये सब प्रांत को लॉर्ड वेले जेली ने अपनी सहायक संधि के अनुसार अपने अंडर में कर लिया था, यानी कि अंग्रेजी शासन के दौरान आ गया था। तो इसका पहले हैदराबाद है, दूसरा कौन है, मैसूर, तीसरा है अवध, चौथा है सिंधिया, यानी कि ए ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अधिकारी गोपनीयता अधिनियम, अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 1904 को निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारित किया गया। पहला था राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जासूसी, राजद्रोह और हमलों से निपटने के लिए। दूसरा किया गया प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। तीसरा था अनुज्ञा के बिना किसी अधिकारी दस्तावेज से संबंधित जानकारी को अन्य किसी व्यक्ति से साझा करने को प्रतिबंधित करने के लिए। चौथा था अप्रकाशित अधिकारी रिकॉर्डों को समूह से सबूत देने पर रोक लगाने के लिए। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के, क्योंकि उस समय अगर प्रेस हाईलाइट हो जाता, अगर प्रेस सच्चाई बताता अंग्रेजों की, तो कभी ना कभी ये बहुत जल्दी विद्रोह बहुत बड़ा हो जाता। गांधी जी ने इतने मूवमेंट किए थे, इन्हीं से एक मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए इसी को दबाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए आया। कौन सा अधिनियम है, अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 1904। किस लिए आया था, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, उसमें कुछ समाचार पत्र दिया गया, उसको आरंभ करने वाला प्रकाशक बताएगा। तो पहला है लीडर मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस ये समाचार पत्र जस्टिस, उसका कौन है, टी ए नायर। तो इसका कौन सही है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही है, यानी लीडर मदन मोहन मालवीय ने समाचार पत्र, किस लीडर कौन लिखा, मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने लिखा, ठीक है, जस्टिस नायर टी ए नायर द्वारा प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये इनके सही है, यानी ए बी ऑप्शन सही है, एक दो, एक ए का ए, बी का दो और सी का तीन और डी का चार, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा ईआरडी की अवधारणा को सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया, तो प्रवण मुखर्जी द्वारा पेश किया गया, यानी बी ऑप्शन सही है। वहीं पर एक और एक ऑप्शन है, चौदहवा वित्त आयोग। तो मैं चौदहवा वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बता देता हूँ, ये पूछा जाता है कभी कभी, पूछ लिया 15वें वित्त आयोग के हैं एनके सिंह है, ठीक है। तो चौदहवे के कौन है, तो वाईवी रेड्डी थे, चौदहवे के कौन थे, वाईवी रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है, येलो वेन मोजे गंभीर बीमारी है, यह किसमें पाई जाती, कौन सब्जी में पाई जाती है, तो येलो वेन मोजे ये जो गंभीर बीमारी है भिंडी में पाई जाती है, ठीक है, भिंडी में पाई, यानी बी ऑप्शन सही है। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बोला कथन क्या है, फ्लोएम जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, पहला कथन है। दूसरा, जाइलम भोजन को पत्तियों से पौधों के शेष भागों तक पहुंचाता है। तो देखो इसमें दोनों कथन गलत है, क्योंकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ये क्या पहुंचाता है, ये खाना पहुंचाता है, इनको खाना पहुंचाता है, ठीक है, और यानी भोजन पहुंचाता है। और जो जाइलम होता है, जाइलम जो होता है जल पहुंचाता है। अब देखो याद कैसे रखें, जासे जाइलम जाइसे जल, जासे जाइलम जासे जल, या ऐसे याद कर लो, बाकी जितना वो फ्लोएम बचा वो खाना के लिए हो गया, ऐसे जासे जाइलम जासे जल, ऐसे लर्न कर लो, आराम से लर्न हो जाएगा आपको, क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला यानी कि इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उस लेखक का नाम बताया जिसने कर्नाटक के मार्गरेट एटवुड के साथ संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार 2019 जीता है। तो किसके साथ, मार्गरेट एटवुड के साथ संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार किसने जीता, बर्नाडी एवरिस्ट ने, एवरिस्टो ने, किसने, एवरिस्टो ने, ठीक है, बर्नाडी एवरिस्टो ने जीता है संयुक्त रूप से, किसके साथ, तो मार्गरेट एटवुड के साथ 2019 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगी, है, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2019 के लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो संजय गुप्ता को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से संजय गुप्ता किया गया। ये जो जागरण है पत्र है उसके प्रधान संपादक है, ठीक है, संजय गुप्ता। उसके बाद इसरो ने वर्ष 2019 में अपना एक
क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो कर्नाटक में, ए ऑप्शन सही है, कर्नाटक में इसरो ने अपना क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस देश के ओलंपिक संघ ने 2022 के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय लिया, तो अपने देश भारत ने निर्णय लिया है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया, तो उत्तर प्रदेश के राज्य को रखा गया, गोरखपुर में बन रहा है, इसको 234 करोड़ की लागत से बनाया जाता है, तो कहां बन रहा है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का किताब किसने का किताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो रानी रामपाल, कौन बना, रानी रामपाल। आई होप ये एसटी डिस्कशन आप सभी को पसंद आया होगा, तो अगर ये एसटी डिस्कशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और खूब ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।